स्पोर्ट की तरफ आने से जो है नौजवान बुरा होने से बच जाते हैं। सिंध की गर्ल्स को देखकर मैं उसमें इंस्पायर होकर मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अली स्पोर्ट्स टीवी के साथ मैं हूँ मोहम्मद अली गुलकुरच। दोस्तों आज मैं लियारी में मौजूद हूँ यहाँ पे एक बॉक्सर फैमिली के साथ। बिलावल हमारे साथ हैं, उसके साथ उसके छोटे भाई भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनको बॉक्सिंग से कैसे लगाव है, क्या जुनून है इनका, कैसे ये खेल खेल रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं, और इनके बहनों के हवाले से भी बात करेंगे कि ये नौजवान हैं, इन पे क्या फेस आता है कि इनकी बहनें भी रिंग में उतरती हैं, खेल खेलती हैं, वालदेन का नाम रोशन कर रही हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। आइए बिलावल से बात करते हैं। बिलावल को ये बकरे का भी शौक़ रखते हैं और ये बड़े इसका उत्साह देते हैं। बिलावल का कहना है कि बकरा जो उनको बहुत पसंद है और ये उनसे मोहब्बत करते हैं, इस वजह से ये अपने घर की तीसरी मंजिल पे बकरे को पालते हैं। बिलावल आप बताएंगे कि आपको कितनी मुश्किलात सामने आई इस खेल में, और आपकी बहनें भी साथ खेल रही हैं, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं, आप नेशनल इंटरनेशनल खेल सकेंगे नहीं खेल सकेंगे, आपकी बहनों के हवाले से आपके मुस्तकबिल के हवाले से आप कुछ बताएंगे हमें। अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लेना चाहता हूँ, पर पहले मेरा फर्स्ट टारगेट ये है नेशनल गोल्ड लूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद इंटरनेशनल खेले जाऊँगा और इंटरनेशनल में मेडल लूँगा। पहले तो मैंने अभी ये नेशनल बीच गेम था इस पर मैंने गोल्ड लिया था, पर ये इतना किसी रीज़न से इतना ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, इस वजह से मैं नेशनल का गोल्ड मेरा अभी टारगेट है। हाल फिलहाल जो नेशनल होगा, जो ये लॉकडाउन ये जो कोविड की वजह से मुंतवी हो गया है, इसमें इंशाल्लाह गोल्ड का टारगेट है नेशनल में। उसके बाद इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल में खेलकर इंटरनेशनल का भी इरादा है। अच्छा, आपको खेल में खेलते हुए क्या मुश्किलें पेश आईं, और आपको कोई ऐसा खिलाड़ी मिला है जो जिसने आपको परेशान कर दिया हो आपको खेल के दौरान कि यार ये तो मुझे हरा देगा, मैं इसको कैसे लड़ूं इसे? जी, जैसे कि फर्स्ट तो मैंने जैसे कुछ क्लासेस होती हैं बॉक्सिंग में, फर्स्ट तो होता है बॉयज़ क्लास, जूनियर क्लास, यूथ क्लास, फिर उसके बाद सीनियर ओपन क्लास होता है, वो फिर कोई लिमिट नहीं होती। जैसे कि मैंने जैसे कुछ फाइट है जूनियर में, कुछ बॉयज़ में, कुछ यूथ में, उसके बाद मैंने फर्स्ट फाइट थी सीनियर में एक बॉक्सर के साथ, वो काफ़ी स्पीड बॉक्सर था। उसके साथ मेरी गेम में जैसे कि कुछ होते हैं कि बॉक्सिंग में ऐसा होता है गेम्स कुछ अटकती हैं, जैसे कि ऐसा कुछ होता है कि टफ पड़ता है वो बॉक्सर, कई बॉक्सर की गेम, जैसे कि उसके साथ फर्स्ट फाइट हुई, उसके बाद फिर सेकंड फाइट उसके साथ ही हुई सीनियर की, उसके बाद फिर थर्ड फाइट हुई नेशनल की, उसके बाद मैंने उसको फाइनल ट्रायल में उसको बहुत ही ईजी तरीके से उसे मैंने क्लियर कर लिया था, मतलब मैं ट्रायल में क्लियर कर चुका था। और उसके अलावा तो अभी तक मुझे कोई इतना कोई टफ बॉक्सर नहीं पड़ा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पाकिस्तान का हर बॉक्सर मुझे जानता है और पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है जहाँ जाता हूँ इज़्ज़त है कि बॉक्सर, अगर अल्लाह के फ़ज़्ल करम से ऐसा बोला जाता है कि बॉक्सर हो, बॉक्सिंग इस तरीके की जाती है कि कोई इंसान को कोई डर ना हो और रिंग पर चढ़े तो सिर्फ रिंग का हो, उसके बाद कुछ सोचे ही ना। अच्छा, आपने कहा कि आपने बड़ा नाम कमाया है, क्या आपको कभी ऐसी फेसिंग का सामना हुआ कि आपके लिए कहा जाए यार आपकी तो बहनें भी तो बॉक्सिंग कर रही हैं, ये खेल खेल रही हैं, हमारे माशरे में ये बड़ा कहा जाता है कि यार इनकी तो बहनें तो देखो ये भी बॉक्सिंग लड़ेंगी, तो इस तरह का कोई मुश्किल आपको सामने आई? जी जी, जैसे कि कुछ बॉक्सर दोस्त हैं, हम आपस में बात करते हैं ऐसा है वगैरह कुछ बात होती है, तो उनने कहा कि नहीं गर्ल्स स्पोर्ट तो ऐसा कुछ अच्छा नहीं होता है, ख़राब होता है, वो ओपन माइंडेड होती हैं गर्ल्स। पर मैंने जब उन्हें ये बताया कि मेरी चार सिस्टर बॉक्सर हैं और मुझे फ़ख्र है वो इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, इंटरनेशनल रेफरी जज हैं, मुझे इस बात पे फ़ख्र है और मैं उनको देखकर इंस्पायर होकर बॉक्सिंग में और नाम कमाना चाहता हूँ, कि मेरी मैं गर्ल्स को देखकर सिंध की गर्ल्स को देखकर मैं उसमें उस उनकी वजह से इंस्पायर होकर मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहता हूँ। पहले मेरा तो इतना कोई टारगेट नहीं था कि ये नेशनल खेल इंटरनेशनल, मैंने अपनी सिस्टर को देखा, उसके बाद मेरा ये इरादा है कि मैं इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड लेवल पर इंशाल्लाह खेलूँगा।
अब आपको मिलाएंगे हम बासित से। बासित, आपके क्या ख्यालात हैं कि सबसे छोटे भी हो और बहनें भी खेलती हैं, आप भी खेलते हो, कभी बहन से फाइट हुई है कभी घर में ऐसे ही, देखो मैं बड़ा बॉक्सर हूँ आप बॉक्सर बन गई हो तो आओ मेरे से साथ लड़ो, इस तरह से कोई हो? जी जी, बहनों के साथ भी हो चुकी हैं और थोड़ी रिश्तेबाजी में ये वो बहनों के साथ भी घर में हो चुकी। अच्छा, तो उसमें कौन जीता, कोई रेफरी रखा था या ऐसे ही लड़ पड़े? नहीं नहीं, रेफरी नहीं, ऐसे ही आपस में जैसे कि। अच्छा, घर में लड़े, तो उसमें ऐसे तो नहीं हुआ कि आपने ज़्यादा पंच मार दिए हो बहन को और वो ज़ख्मी हो गई और मामला ख़राब हो गई हो? नहीं, मतलब ज़ख्मी तो नहीं, मगर ऐसे भी मैंने कभी ज़ोर का मार दिया है कि आँख वाँख में लग जाए। अच्छा, तो कभी चैलेंज किया है बड़े भाई ने कि भाई बहन से लड़े हो, कभी मेरे साथ भी हाथ दो हाथ कर लो तो पता चले आपको? नहीं, मैं उनसे फिर नहीं खेल। अच्छा, तो आपको फैमिली का माहौल कैसे लगता है? आप सबसे छोटे हो, सबके लाडले हो, या आपको भी सबकी तरह रखा जाता है? नहीं, हम सब बराबर हैं वैसे, बाकी जैसे कि अच्छा माहौल है, सब मतलब ट्रेनिंग करते हैं एक टाइम पे, छहों भाई बहन, और जैसे कि अबू ट्रेनिंग कराते हैं, तो एक खुश माहौल, मतलब खुशनुमा। तो आप क्या समझते हैं कि आप जो है मुल्क के लेवल पे खेलेंगे या सिर्फ इसी ऊपर सिक्स मंजिल पे या चौथी मंजिल पे आप ये छोटे से मकान में लड़ते रहेंगे? नहीं नहीं, मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहता हूँ और पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में लहराना चाहता। माशाल्लाह, तो आपको पता है कि अब कौन है वर्ल्ड चैम्पियन, कौन है बॉक्सर में? वर्ल्ड चैम्पियन तो अलग अलग वेट कैटेगरीज के अलग अलग हैं। तो आपकी कैटेगरी का कौन है? मेरी कैटेगरी के तो दो तीन हैं, वैसे मैं 48 कैटेगरी में खेलता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ प्रोफेशनल में जो है वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। तो आप कोई नौजवानों के लिए पैगाम देंगे कि वो खुद भी आएँ और अपने बहनों को भी इस स्पोर्ट्स में ले आएँ? ज़रूरी नहीं है बॉक्सिंग और भी खेल हैं उनमें लेके आएँ? नहीं, मतलब स्पोर्ट की तरफ आने से जो है एक नौजवान मतलब के दूसरी बुरी जगहों पे मतलब बुरा होने से बच जाता है, बुराई की तरफ नहीं जाता है, स्पोर्ट्स की तरफ आता है, तो एक नौजवान जो है बेहतर और मजबूत बन जाता है। अच्छा, आप अली स्पोर्ट्स के लिए कुछ कहेंगे कि अली स्पोर्ट्स खेलों को कैसे दिखा रहा है? यही कहना चाहूँगा कि उनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो आज का उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया।